कुछ दिन पहले कुछ उदाहरण इस तरह के सामने आ रहे थे बच्चों के कि वो जब लंच में खेलने का टाइम होता है तो एक दूसरे को थोड़ा मारा पीटी या किसी का कुछ नाम ले देना, कभी कभी कुछ बच्चे क्लास में भी इस तरह की हरकतें कर रहे थे। ये कई सारे उदाहरण थे। तो बीच बीच में हम असेंबली में बात करते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो उसे लगा कि बच्चे थोड़ा उस बात को बहुत लाइटली ले रहे थे। तो हमने थोड़ा इस पर सोचा कि क्या करें, तो थोड़े इसका बातचीत का मोड़ बदलना चाहिए। तो फिर हमने 3-4 दिन पहले उनको एक कहानी सुनाई, और कहानी ये थी कि बच्चों को बताया कि दो तरह की राज व्यवस्था थी बहुत पहले। एक राजा ऐसा था कि जो भी उदंडी व्यक्ति होता था, गलत काम करता था, किसी तरह का अभद्र व्यवहार करता था, वो उसको पकड़ता था और उसको लाके खूब दंडित करता था और फिर जेल में डाल देता था। और जगह जगह चौकीदार बिठा रखे थे और वो अपने पूरी राज व्यवस्था में लोगों की निगरानी रखते थे। तो एक इस तरह की शासन व्यवस्था थी। दूसरी तरह का राजा, एक राजा था जो बहुत ही लिबरल था। वो उसके पास किसी भी तरह की निगरानी के लिए चौकीदार नहीं थे, वो लोगों को पूरा स्पेस देता था। और जब कोई बड़ी घटना होती थी, लोग जाके शिकायत करते थे, वो उनको बुलाता था और बुला के कहता था, भाई क्या बात हुई, क्यों आपने ऐसी गलती की। फिर उनके साथ खूब बातचीत करता था, समझाता था और फिर कहता था कि भाई इस तरह का व्यवहार क्यों करना चाहिए, इससे दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये ठीक है या गलत है। और इस तरह के संवाद के बाद में उनको वापस छोड़ देता था। तो बच्चों को ये दोनों तरह की कहानी सुनाई और फिर उनसे पूछा गया कि भाई आप इन दोनों तरह की व्यवस्था में, राज व्यवस्था में कौन सी चुनोगे। तो बच्चों ने काफ़ी सोच के इस पर बताया कि पहली वाली तो हम बिल्कुल नहीं चुनेंगे, क्योंकि वो तो ठीक तरीका नहीं है और इस तरीके से तो लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता। तो फिर पूछा कि दूसरी वाली, कि दूसरी वाली ठीक है पर दूसरी वाली भी इस तरह से तो नहीं चलेगी। तो हमने कहा कि तीसरा ऑप्शन क्या है। तो एक बच्चे ने कहा कि 3 बार अगर कोई व्यक्ति करता है तो 3 बार उसको समझाना चाहिए, मौका देना चाहिए ठीक होने का, पर अगर 4th बार करता है तो उसको किसी न किसी तरह का दंड दिया जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे चलेगा नहीं। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं, 3 बार नहीं, 6 मौके देने चाहिए उसको, कि 6 मौके बराबर उसको दें, समझाएं और ठीक होने के अवसर दें, और उसके बाद में अगर वो फिर भी उसी तरह की गलती का दोहरान करता है तो फिर उसको फिर दंडित किया जाना चाहिए। तो इस संवाद को हम कंटिन्यू किए हुए हैं और अभी ये बहस का मुद्दा बना हुआ है कि तीसरा ऑप्शन हो तो वो कैसा होना चाहिए, जो समझ में आए सबको, और तीसरा या चौथा कितने ऑप्शन आ सकते हैं, और उन ऑप्शंस जो भी विकल्प आते हैं उन पे सब बच्चों की क्या ओपिनियन है, वो क्या सोचते हैं, उनको कौन सा उनमें ठीक लगता है। तो इस बहस को हम थोड़ा और आगे ले जाना चाहते हैं और इसके रिफ्लेक्शन ये आ रहे हैं कि बच्चों के बीच में चर्चा है, वो आपस में बात करते हैं कि तुम्हें कौन सा राजा पसंद है, और इस पूरी बातचीत को अब वो बच्चे अपने स्कूल की व्यवस्था से जोड़ने लगे हैं। वो कुछ बच्चों से ये भी सुनने को मिला है कि ये जो हमारी, जो हम जहाँ पहले पढ़ते थे या जो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल हैं उसमें और हमारी स्कूल में तुलना हो रही है, कि हमारे यहाँ बच्चों को मौका दिया जाता है, बार बार पिटाई नहीं होती है, पर बाकी स्कूलों में तो थोड़ी सी गलती करने पर उसको खूब पिटाई की जाती है और इस तरह का व्यवहार होता है। तो ये एक डिसिप्लिन पे बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने का और उनको पुनः अपने व्यवहार पे रिफ्लेक्ट करने का अवसर है, जिससे देखते हैं ये संवाद कितना आगे बढ़ता है और इस पे बच्चों के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन हम देखते हैं या वो कितना अपने आप को रिव्यू के प्रोसेस में ले जाते हैं।